हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे थे फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस में, फ्रेंड्स उनके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, उनके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। फ्रेंड्स हम इस वीडियो में आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है। आप गूगल पे आके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है दिल्ली पुलिस एमटीएस एडमिट कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना फिलअप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप सर्च पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स आप फर्स्ट में देख रहे हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस एडमिट कार्ड 2017-18 डीपी मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं साइट को, ठीक है अभी साइट पे फिर आ जाएंगे। फिर नीचे आ जाइए आप, और फ्रेंड्स नीचे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड दिल्ली पुलिस एमटीएस एडमिट कार्ड, ठीक है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस ट्रेड्स फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2017। आप फ्रेंड्स इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर नंबर डेट ऑफ बर्थ, आपको फ्रेंड्स अपना रजिस्टर नंबर डाल देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर डाल रहा हूँ अभी। और फ्रेंड नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है पासवर्ड में, ठीक है आपका पासवर्ड ही मान लीजिए। और फ्रेंड्स नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पे देख रहे हैं सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। आप जब सर्च पे क्लिक कर लेते हैं, और फ्रेंड्स आपका देख रहे हैं आप एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आप देख रहे हो ऊपर रोल नंबर है आपका ऊपर यहाँ पे, और फ्रेंड्स कैंडिडेट का नेम मिल जाएगा आपको, फादर नेम मिल जाएगा, एड्रेस भी आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप कौन सी कास्ट बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है आपकी डेट ऑफ बर्थ साइड में। और फ्रेंड्स जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, मतलब आप जब प्रिंट निकलवा लो फ्रेंड, आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे अपना फोटो अटैच करना है, बिल्कुल ऐसा ही सेम फोटो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स नीचे देखिए यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, 9 बजे आपकी एंट्री होनी है, और फ्रेंड्स 9 बजे तक आपकी एंट्री होगी इसमें। जो आपका सेंटर कोड है ये आपको यहाँ पे मिल गया है, देख रो नंबर, और फ्रेंड्स आप देख रहे ग्राउंड नंबर आपका एम है। एंड फ्रेंड्स आपको इस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड दिखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका जो ये सेंटर है आपका एग्जाम सेंटर, ये आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसा करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।